अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरे पास में महिंद्रा बोलेरो पिकअप SG गाड़ी है, तो ड्राइवर का कंप्लेन है गाड़ी रनिंग में 30-40 की स्पीड में गाड़ी रही है तो गाड़ी बंद हो जा रही है। तो क्यों बंद हो रही है वो देखेंगे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आइए बताता हूँ मैं आपको, एंड तक वीडियो में बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा इसमें मैं, इसमें किस कारण से गाड़ी बंद होती है और क्या वजह से होती है। तो सबसे पहले मैं चाबी ऑन कर लेता हूँ, और देख सकते हैं अपना आयल बत्ती आ रहा, डीजल लाइट बिलिंग कर रहा, तो इसका मीटर में जो प्रॉब्लम हो सकता है डीजल टैंक में से, ठीक है। तो इसको सबसे पहले देखेंगे स्टार्ट करके, स्टार्ट होती है क्या। तो देख सकते सेल्फ मार रहा हूँ मगर स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या है प्रॉब्लम इसके अंदर। तो देखेंगे, वापस मारना भाई जरा सेल, बस 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 बस। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ डीजल अपना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं इसको ऑन खोल लेता हूँ मैं, हाँ चाबी ऑन करना। तो देख सकते हैं डीजल बराबर है प्रेशर में, ठीक है, डीजल का तो प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो इसमें भी मैं सबसे देखूंगा कि इसमें लाइट ये स्विच ऑन हो रहा है कि नहीं, ये वाला DRB स्विच जिसको बोलते हैं, ठीक है, 3 स्क्रू पे स्टार लैंकी पे टाइट होता है। तो इसका सप्लाई देखेंगे क्या सप्लाई आ रहा है, मल्टीमीटर पे चेक करेंगे, ठीक है, DRB स्विच का। तो देख सकते हैं DRB स्विच, इसको मैं खोल के देखता हूँ इसमें सप्लाई क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। सबसे पहली बार इसको निकाल लेते हैं। तो इसको मैंने निकाल लिया है, इसमें चेक करेंगे मल्टीमीटर से सबसे पहले क्या वोल्टेज आ रहा है। देखेंगे इसको 20 पे मैंने सेट कर लिया है, ठीक है, और 20 पे सेट करने के बाद इसको बैटरी वोल्टेज देखेंगे। पहले सबसे पहले बैटरी वोल्टेज पे 12 वोल्टेज 36.11, मतलब बैटरी अपना फुल चार्ज है, ठीक है। और इसमें भी देखेंगे वोल्टेज क्या आ रहा है अपना, इधर दिखाना, इसमें देख सकते हैं 12 वोल्टेज दिखा रहा है, ठीक है, दूसरे वाले में 3.41 दिखा रहा है, ठीक है, ये मतलब अपना अर्थिंग आ रहा है। तो ये 12 वोल्टेज आ रहा है बराबर एक वायर में, और इसमें देखेंगे टोटल फाइनल कितना आ रहा है, 8 वोल्टेज बता रहा है, ठीक है, 8.5 बता रहा है, 8.83-84 बता रहा है, ठीक है। अब इस क्लियर है, ठीक है, इस पर देखेंगे अपना बल्ब जल रहा है कि नहीं, ये अपना TD बल्ब है। चाबी बंद करके, चाबी बंद ऑन करना, हाँ। तो देख सकते हैं 12 वोल्टेज का ऐसा बल्ब जलना चाहिए, ठीक है, एकदम परफेक्ट लाइन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये लाइन अपना DRB स्विच ओके है, और DRB जब स्विच ओके रहेगा तभी आपका जो है ये लाइन, मतलब यहाँ से हाई प्रेशर में डीजल आएगा, हाई प्रेशर से फिर रेल में आएगा, ऐसा रहता है। इसको लगा लेते हैं, चाबी बंद कर दो, तो DRB स्विच का वायर मैंने लगा दिया है। अब इसका देखेंगे इंजेक्टर पे पल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, सेल्फ मार के स्टार्टर मारना भाई जरा, सेल्फ मारो, बस 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 रुक जाओ, देखते हैं इस पे पल्स आता है कि नहीं, यही वाला चेक कर लेते हैं, बीच वाला कोई भी, ये मैंने निकाल लिया है, और इस पर देखेंगे पल्स आता है कि नहीं, इस पर पल्स आना चाहिए, मारो सर, देख सकते हैं हल्का हल्का पल्स आ रहा है, ठीक है, बस बस बस, ठीक है। पर इसका स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम है, ठीक है, स्टार्ट फिर भी नहीं हो रही है, इसको मैंने लगा देता हूँ, चाबी बंद किया ना गाड़ी का, तो अभी इसको स्टार्ट करना है मुझे, स्टार्ट तो हो नहीं रही है, तो इसको सबसे पहले
सारा लाइन ओके दिखा रहा है मुझे, क्योंकि पल्स भी बराबर दिखा रहा है, इंजेक्टर पे पल्स आ रहा है। स्प्रे देना, अभी मैं स्प्रे मारूंगा। हाँ अभी मारना सर। तो देख सकते गाड़ी स्टार्ट हो गई अपनी, ठीक है। तो स्टार्ट होने का कारण क्या है, इसका इंजेक्टर का ही प्रॉब्लम रहता है। गाड़ी टेस्ट करो जरा। करो गाड़ी। तो इसमें क्या है, मतलब सप्लाई व्लाई सब ओके दिखा रहा है, ठीक है। और इसमें सप्लाई व्लाई ओके दिखा रहा है, इसमें सप्लाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे मैं इसमें स्प्रे मार रहा हूँ ना, तो स्प्रे में क्या हो रहा है कि स्प्रे मारने से क्या है, इंजन को थोड़ा ज़्यादा ही हाई पावर मिल रहा है, इसके कारण इंजन स्टार्ट हो जा रही है। तो इसमें देखेंगे इंजेक्टर कौन सा अपना सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। आओ देखते हैं, दिखाओ जरा। तो देख सकते हैं, सबसे पहले इसका मैं इंजेक्टर का रिटर्न जो आता है, रिटर्न डीजल के लिए, इसको निकाल लेते हैं। इसको बहुत संभाल के निकालना पड़ता है। तो अभी देखेंगे, ये तो निकल जाएगा आराम से एकदम। अगर इंजेक्टर का प्रॉब्लम रहेगा तो गाड़ी 40 की स्पीड में चलेगी, गाड़ी बंद होती है, फिर से बंद करके वापस चालू करेंगे, चालू हो जाएगी, ऐसा रहता है। तो मुझे तो डाउट है इंजेक्टर पे ही। इसको सबसे पहले मेरा सिरिंज है चेक करने वाला, डीजल कितना रिटर्न मार रहा है इंजेक्टर, तो वो देख लेते हैं फटाफट। इसको भी लगा लेते हैं, बाकी डीजल वीजल तो फर्स्ट क्लास आ रहा है। अपना फिल्टर का जो प्रेशर है वो भी बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं प्रेशर में। तो अभी भाई स्टार्ट करना गाड़ी को, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्टार्ट होता है क्या। नहीं हो रहा, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ भाई, अभी मुझे स्प्रे मारना पड़ेगा। हाँ मारो, चाबी बंद करके मारो, मारो कोई दिक्कत नहीं, मारो बस मत करना रे। तो देख सकते हैं कि गाड़ी तो मेरी स्टार्ट है, और देखेंगे इसमें किसमें ज़्यादा बैक डीजल आ रहा है, ठीक है, ऐसा है। तो देख सकते हैं ये वाला ज़्यादा है, और ये भी है, ये आज थोड़ा लीकेज कर रहा है, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा दिखा रहा है, ये थोड़ा हल्का नॉर्मल में है, और ये भी नॉर्मल है, समझे को नॉर्मल इसमें चलता है, ठीक है। ये वाला ये कुछ थोड़ा है, और ये देख सकते भर के गिरने लग गया ये वाला, और ये वाला भी वैसे ही, मतलब दोनों एक जैसा है, बैग है पूरा फुल, देख सकते भर गया पूरा यहाँ पे, ये भी भरने के लिए पहुँच गया, और ये भी भरने पहुँच गया, सिर्फ यही एक सही है, देख सकते ये रिटर्न से गिर रहा है डीजल, रिटर्न पाइप जो लगा हुआ है, मतलब ये नोजल एक नंबर अच्छा है, एक नंबर वाला, ये दो नंबर जो है थोड़ा, मतलब 80% बैग है, ये 100% बैग है, और ये भी 100% बैग है, मतलब तीनों ख़त्म है एकदम, इसका नोजल का काम करना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसा है। तो अभी इसको निकाल लेते, गाड़ी बंद करो। तो देख सकते हैं ये अपना इतना भर भर के आ रहा है सब में, ठीक है, ऐसा है। तो अपना जो है इसका इंजेक्टर का ही काम है, और कोई काम नहीं इसके अंदर। और मैं एक चीज़ और बताऊंगा इसके अंदर कैसे क्या है, इसको लगा लेते हैं पहले रिटर्न को, थोड़ा आराम से यहाँ दिखाओ, ये सही से जब तक बैठेगा नहीं तब तक ये लॉक बैठता नहीं है, बैठ गया, ये लग गया है। क्योंकि इसका गाड़ी पिकअप भी नहीं कर रहा है, ऐसे है, चलने में जो ताकत नहीं कर रही बरोबर। अभी गाड़ी स्टार्ट करना ज़रा। तो देख सकते हैं मेरी गाड़ी तो अभी स्टार्ट है, और इसको भी देखेंगे बंद करके वापस स्टार्ट हो रही है कि नहीं, ज़रा रेस करना गाड़ी और बंद करना।
ऐसा तो नॉर्मल में फर्स्ट क्लास फायरिंग है गाड़ी का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी बराबर है, मतलब रेस वेज बराबर हो रही है। बंद करना गाड़ी, वापस मारना सेल्फ। अभी गर्म रहेगा तो फटाक से स्टार्ट हो जाएगी। तो देख सकते हैं सर राउंड लेके हुई ये, अभी इंजन गर्म है इसके लिए फटाक से हो गया। अगर ठंडा पड़ जाएगा ना तो फिर चालू नहीं होएगी, मतलब कुछ काफ़ी राउंड लेगी ना, तो फिर इसको स्प्रे मारिए या तो फिर पेट्रोल मारिए तो ही स्टार्ट होगी। ठीक है, थोड़ा रेस करना हल्का सा। और आइडल में तो फर्स्ट क्लास फायरिंग है गाड़ी का, कोई धुआं नहीं, कोई ब्लैक नहीं, कुछ भी नहीं, ओके एकदम दिखा रहा है, समझे। गाड़ी चलेगी फर्स्ट क्लास 30-40 की स्पीड में, और जैसे 50-60 की स्पीड में आपने भगाया तो गाड़ी जो है आपकी झटके में बंद हो जाएगी, ऐसा है। बंद करना गाड़ी। तो अभी मैं बंद तो करवा दिया, अभी मैं एक चीज़ और चेक करने वाला हूँ इसमें। ठीक है, ये होल्डर निकालते हैं इसका, इंजेक्टर का, और फिर देखते हैं गाड़ी अपनी स्टार्ट होती है क्या। ये मेरे पास में एक ट्यूडी बल्ब है, इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पे लगा लिया, छोड़ना भाई, जाओ सेल्फ मारो। देख सकते हैं ये कपलर निकाला हुआ हूँ, देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो गई। और जैसा अपना इंजेक्टर जो हिसाब से काम करता है ना, अंदर जैसे फायर करता है उस तरीके से ये फायर का दे रहा है, देख सकते हैं फायर जैसा करना चाहिए उस तरीके से इसके ऊपर पल्स दे रहा है। ठीक है, अगर ऐसा पल्स नहीं आएगा ना तो फिर इंजेक्टर जो है बराबर फायर नहीं करेगा, समझे, ऐसा रहता है। देख सकते हैं इंजेक्टर का मैंने कपलर निकाल दिया है। ठीक है, ये कपलर निकला हुआ है, बाकी के एक नंबर लगा हुआ है और दो नंबर निकाला हूँ, तीन नंबर भी लगा हुआ है, चार नंबर भी लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा है। तो कोई फायरिंग में कोई चेंजेस दिख नहीं रहा है मुझे, मगर ये है कि थोड़ा सा इंजन कांप रहा है इसका। ठीक है, एक इंजेक्टर काम नहीं कर रहा, मतलब एक सिलेंडर काम नहीं कर रहा है, इसके लिए इंजन थोड़ा कांप रहा है, ऐसा है। तो बंद करना गाड़ी को, थोड़ा हल्का रेस करना, हल्का रेस करना ज़रा। तो देख सकते हैं फर्स्ट क्लास गाड़ी रेस भी हो रही है और बंद हो गई। ठीक है, क्योंकि इसको एक सिलेंडर में डीजल नहीं मिल रहा था, इसके कारण जो है रेस देने पे बंद पड़ गई, ऐसा है। तो इसका इंजेक्टर का ही काम है। ठीक है, अगर इंजेक्टर का काम नहीं रहता तो गाड़ी बंद नहीं होती, क्योंकि ये भी बराबर काम नहीं कर रहा, ये भी बराबर नहीं कर रहे हैं, ऐसा है। वापस सेल्फ मारो भाई, सेल्फ मारो वापस से। तो देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो गई, तो इसका इंजेक्टर का ही काम है। ठीक है, इंजेक्टर का काम हो जाएगा, गाड़ी एकदम झटके में चालू होगी, राउंड लेके बिल्कुल नहीं होगी। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।